तो ये हमारा ड्राइंग है, इसका हमें पीसीबी बनाना है। तो चलिए पहले इसको काट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने अभी देखा मैंने पीसीबी कैसे बनाया, तो आप भी किसी सॉफ्टवेयर की मदद से पीसीबी बना सकते हैं। तो मैं अभी इसको पहले काट लेता हूँ। तो ये पीसीबी डायग्राम हमने अभी काट लिया है, और ये ब्लैंक पीसीबी है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, वो मिल जाती है, तो आप मार्केट में जाकर खरीद सकते हैं। सिर्फ ब्लैंक पीसीबी बोलना पड़ता है उनको और कुछ नहीं, वो वैसे ही दे देती है। ये मुश्किल से 30-40 रुपये में मिल जाती है, जो कि 1x1 की होती है, मतलब 1x1 फिट की होती है। तो चलिए अभी इसको मार्किंग कर लेते हैं, हमें कितनी पीसीबी की ज़रूरत है उतनी मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमें इतनी पीसीबी की ज़रूरत है, तो यहाँ से हम ऐसे मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी यहाँ से मार्किंग कर ली है, मार्किंग कर ली है, अभी इसको सीधे लाइन में लेके आते हैं। तो अभी सीधे लाइन में लेके आ गई इसको, अभी एक और बच्ची है, तो ये चलो ये भी आ गई सीधे लाइन में, ये आपको मार्किंग दिख रहे होंगे। अभी इतना भाग हमें काटना है, तो मैं काट लेता हूँ, तो वीडियो स्किप कर लेता हूँ मैं। ये हमने पीसीबी काट ली है, यहाँ पे लगी हुई थी, हमने मार्किंग की हुई थी, तो अभी काट लिया है। अभी इस पर जितना भी कार्बन लगा हुआ है वो सब हम स्क्रैच पैड्स की मदद से पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे चमकती है ये घिसने के बाद दिया है, पूरा इसका कार्बन निकाल दिया है। तो अभी देखते हैं कि ये बराबर इसके ऊपर फिट बैठता है कि नहीं। तो ये तो फिट बैठ रहा है पूरा बराबर। तो अभी इसको ये जो इंक वाला भाग है, अपने जो प्रिंटआउट निकाल के लाया था, ये मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये इंकजेट प्रिंटर से ही प्रिंटआउट निकालना है। इंकजेट प्रिंटर होता है, जो कार्टेज वाले होते हैं, इंक वाले होते हैं, लिक्विड इंक वाले प्रिंटर से नहीं निकालना है। जो पाउडर इंक होती है इंकजेट प्रिंटर में, वही वाले प्रिंटर से आपको प्रिंटआउट निकालना है, ठीक है। और जहाँ पे इंक लगी है वो साइड आपको, ये जो कॉपर है इस साइड में आपको रखना है इस तरह से, और इसके ऊपर जो हमारा आयरन है, कपड़े आयरन करते हैं हम, आप उससे इसको आयरन कर देना है। तो हमारा आयरन अभी गर्म हो चुका है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं इसका को इस। तो इंक वाला भाग है ये कॉपर के साइड में रखी, काफी गर्म है, तो आपको देखिए सर्किट नजर आ रही होंगे जो इंक वाली है। इसको उल्टे छोड़ दीजिएगा, एक प्लेट में वाटर ले,
बिल्कुल मैं लेके आया हूँ अभी, ऐसे कोल्ड वाटर इसके साइड में रख देते हैं जब तक। इसको 10 मिनट के लिए हम पानी में रहने देते हैं। ये लगभग 10 मिनट तो हो ही गए, इसको पानी से निकाल लेते हैं और इसे हाथ से ही लुंगी से रब करते हैं। धीरे धीरे रब करो इसे एक साइड से। मैं रब कर लेता हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ पुरुष क्या हो रहा है। ये हमने रब कर लिया अभी, देखो रब करने के बाद ऐसा दिखता है, ये पूरा साफ दिख रहा है, देखो कितना अच्छा दिख रहा है अभी। तो अभी हम इसको एक सॉल्यूशन में डिप करेंगे, इसका सॉल्यूशन का नाम है फेरी क्लोराइड। ये वो सॉल्यूशन है, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में मिल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में मतलब ये आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर मिल जाए तो आपकी किस्मत है, लेकिन आसानी से नहीं मिलता। अगर आसानी से चाहिए तो आपको वही जाना पड़ेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मिलते हैं, जैसे कि रजिस्टर, आईसी, कैपेसिटर्स वगैरह, उस जगह आपको जाना पड़ेगा। उस दुकान में बस ये 30-35 रुपये का बॉक्स आता है 100 ग्राम का, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलिए अभी इसको हम सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। ये पाउडर फॉर्म में आता है, आपको थोड़ा सा वाटर लेना है और सॉल्यूशन उस पर डिप कर देना है, डुबा देना है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन अभी हमने इस पर डाल दिया, अभी इस पर हम वाटर डालेंगे, ठीक है। इसे वाटर डाल दिया हमने, इसको अच्छे से हिलाएंगे तो ये जो पाउडर था पूरा मेल्ट हो गया अभी। तो अभी इसके बाद हम इस पर ये पीसीबी डालेंगे, पीसीबी, चलो पीसीबी डाल देते। तो इसको हिलाते रहना है, बार बार हिलाते रहना है, अगर हिलाएंगे नहीं तो इसका जो कॉपर है वो तो निकलेगा नहीं। आपको ये बता दूँ सिर्फ जहाँ पर सिर्फ ईट लगी है वही का नहीं निकलेगा, बाकी हर जगह का निकल जाएगा, वही का बचा रहेगा जहाँ पे इंक लगी हुई है। तो इसको साइड साइड से कॉपर निकलना चालू हो गया अभी। ये देखिए यहाँ पे पूरा कॉपर निकलना चालू हो गया, तो आप देख सकते हैं। देखो अभी कॉपर निकलना चालू हो गया, पूरा पूरा साइड का कॉपर निकल गया अभी, इस साइड का भी निकल गया, इस साइड का भी निकल गया, इधर का भी, अंदर का भी निकल गया। मैं बस थोड़ा सा बाकी है, ये नीचे का निकलना बाकी है अभी, ये अभी 2 मिनट में निकल जाएगा, लगभग 10-11 मिनट हो गए। हमारा भी पूरा ये कॉपर निकल चुका है, तो अब हम इसे ठंडे पानी में डुबो देंगे और धो देंगे पूरा अच्छी तरह से, फिर मैं आपको इसका आगे का दिखा दूंगा। तो अभी हमने इसको धो लिया है, अच्छे से साफ कर लिया, अभी इसको एक बार और कपड़े से साफ कर लेता हूँ मैं। इसको मैंने साफ कर लिया, आप देख सकते हैं।
अभी ये स्क्रब पैड की मदद से अब इसको और घिस देंगे तो अंदर का कॉपर दिखाई देने लगेंगे आपको। ये देखिए अंदर का कॉपर दिखा है, ये पूरा का पूरा कॉपर निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल इजी स्टेप है, आप घर पे इसको बना सकते हैं, बिल्कुल इजी स्टेप है। आप बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने से एक पीसीबी बनाने के कम से कम 400 से 450 रुपये मार्केट में लेते हैं। आप इससे आसानी से आप घर पे इसे 50-60 रुपये में बना सकते हैं। हम 50-60 रुपये में घर पे बना सकते हैं तो बाहर 400-450 रुपये खर्चा क्यों करें। जैसे ये पीसीबी 2x2 की बनी है, यहाँ पे पूरे स्क्वायर में 2x2 की बनी है, 2x2 इंच की। तो हमारी पीसीबी अब हो गई, रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी शाइनिंग दे रही है। तो आप यहाँ पे बारीक ड्रिल की मदद से, बारीक ड्रिल मतलब 0.5 mm के ड्रिल से आप यहाँ पे ड्रिल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अभी देखने के लिए धन्यवाद आप।